গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ। আই এম কিল তিওয়ারি, মাই সাবজেক্ট ইজ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। দ্য টপিক ইজ ইনসিনারেশন, ইউনিট 4, ইনসিনারেশন। Yes, what is incineration? Burning of refuse at high temperature and coolness called incineration. कोई भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको अगर आप बर्न कर रहे हैं वही आपका इंसिनरेशन कहलाता है। तो आपके सिलेबस में इंसिनरेशन और थर्मल पायरोलिसिस, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं इनके बारे में पढ़ना है। तो इंसिनरेशन आपका मेन यही है कि सॉलिड वेस्ट को अगर बर्न किया जाए हाई टेम्परेचर पे वो आपका इंसिनरेटर इंसिनरेशन कहलाता है। और वो किससे किया जाता है? इंसिनरेटर द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट है, पहले आपका सॉलिड वेस्ट अगर आएगा तो बल्क अमाउंट में होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो बर्निंग के बाद उसका जो वॉल्यूम है कम हो जाता है, तो नियरली 90% उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। क्या कोई भी चीज़ होगी तो उसको आप बर्न करोगे तो ऐस के फॉर्म में बन जाती है, राख बन जाती है। तो वही है सॉलिड वेस्ट के भी केस में यही है, क्योंकि आपको पढ़ क्या रहे हो कि सॉलिड वेस्ट का जो डिस्पोजल होता है उसमें 6 मेथड हैं। 6 मेथड में आपने लैंडफिलिंग पढ़ लिया है, कंपोस्टिंग पढ़ लिया है, आज इंसिनरेशन आपको पढ़ रहे हैं। इंसिनरेशन में हम लोग चीज़ों को बर्न करते हैं सॉलिड वेस्ट। तो वही है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। रिफ्यूज रिफ्यूज को ही हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं। तो वेयर द कलेक्टेड रिफ्यूज इज ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट्स हेंस क्वाइट सुटेबल टू बर्निंग। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज़ की कंप्लीट कम्बस्टन के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जैसे कोई भी सॉलिड वेस्ट है उसमें क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा। मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए। अब अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उतना जल्दी से वो बर्न भी नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं जिससे वो आसानी से बर्न हो सके, तो भी पढ़ेंगे आगे। तो इसमें इंसिनरेशन आपका यही है, किसी भी चीज़ को सॉलिड वेस्ट को आप हाई टेम्परेचर बर्न करेंगे। उसके लिए टेम्परेचर आपको 650 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, बाकी चीज़ें लिखी गई हुई है। और ये आपका है कन्वेंशनल इंसुलेटर फॉर इंसुलेटिंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें क्या होता है, इसकी प्रोसेसिंग थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रोसेसिंग यही है कि जो भी आपके सॉलिड वेस्ट हैं, जो भी सॉलिड वेस्ट हैं उसको क्या होगा, यहाँ डंप किया जाएगा। डंप करने के बाद क्रेन से हम इसको उठाते हैं, क्रेन से उठाते हैं जो भी इसमें हैवियर मटेरियल होंगे, जैसे लोहा हो गया, ग्लास हो गया, कांच हो गया, इन सारी चीज़ों को। ये क्या होगा, इनकी वेट के कारण ये नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद जो हल्के मटेरियल हैं जो बर्न होने लायक हैं वो क्या होंगे, इस गेट ऑफ के थ्रू, तो कट ऑफ गेट के थ्रू उससे अंदर चले जाते हैं और इसमें फर्नेस के थ्रू ये बर्न किए जाते हैं। धीरे धीरे ऐस के फॉर्म में बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जल रही है उसमें क्या होगा, उसके लिए ऑक्सीजन जरूरत है। और एक चीज़ और, ये इंसिनरेशन जो प्रोसेस होता है उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हो तो ऑक्सीजन उसमें कंपलसरी है, जरूरी है, तभी ऐस फॉर्म होगा। ऐस ही नहीं, उसमें कई सारी हीट भी निकलती हैं और भी गैसेज निकलती हैं, जिसके कारण क्या होता है, इस गैसेज का हम लोग प्रेसिपिटेशन, मतलब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से इसको साफ करते हैं। उसके बाद उस गैस को हम लोग यूज किया जा सकता है किसी भी पावर सप्लाई के लिए या टनल या सबको यूज कर सकते हैं चलाने के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट में उसका यूज किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है,
जो देखिए सिंस द सॉलिड वेस्ट रीचेज द इंसिनरेशन प्लांट आर जनरली क्वाइट वेट, वो काफी गीले होते हैं इन स्पाइट ऑफ दियर बीइंग ऑफ हाई कैलोरी वैल्यू, इट इज जनरली फाउंड नेसेसरी टू ड्राई देम आउट बिफोर बर्निंग। बर्निंग से पहले उसको ड्राई किया जाता है, तो ड्राई करने का समय नहीं है, तो लोग क्या कर सकते हैं इसमें ऑक्सिलरी फ्यूल, ऑक्सिलरी फ्यूल्स में जैसे हो गया आपका कार्बोन हो गया या कोई भी ऐसा चीज जिससे वो बर्न हो सके, उसको हम लोग ऑक्सिलरी फ्यूल इज यूज टू इनिशियल ड्राइंग फॉर दी वेस्ट, इनके साथ उसको मिला दिया जाता है जिससे वो बर्न हो जाए जल्दी। तो उसके बाद क्या करते हैं, मिलाने के बाद यहाँ से हम लोग उसको छोड़ देते हैं, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से पास होते होते इधर फर्नेस में जल जाता है, धीरे धीरे उसका कम्बस्चन होता है, कम्बस्चन होने के बाद देख रहे हो आप ऐस फॉर्म में निकल जा रहा है, जब कम्बस्चन होगा तो यहाँ गैसेस प्रोड्यूस होंगी, गैस प्रोड्यूस होंगी तो ये गैसेस धीरे धीरे निकल के ये इसमें लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज्ड इंस्टॉल इन द इंसिनरेशन प्लांट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इससे कम होता है, और इसमें जो भी एयर है आपकी पार्टिकुलरली ड्यू टू द इमिशन ऑफ डाई ऑक्साइड इनके इसमें इमिशन होता है, ठीक है, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत सीरियस होती है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। गैसेस हो गई, फ्लाई ऐश हो गया, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, कोई भी चीज जल रही है उसमें आग निकले आपको हम लोग आग एज हीट ही काम करेगा आपका, तो इसका काम इसी तरह होता है। और इसमें कुछ चीजें और जानने लायक हैं, जैसे अभी क्या है कि इसका, हाँ, इसका काम कैसे होता है, व्हाइल ऑपरेटिंग द इंसुलेशन द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व, द चार्जिंग शुड बी स्लो एंड रैपिड। चार्जिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये जो डायग्राम आपने देखा, चार्जिंग का मतलब यही है कि आप इसमें कंटिन्यूअसली सॉलिड वेस्ट डालते रहेंगे, ये नहीं कि मतलब थोड़ा देर डाले फिर बंद कर दिए, बंद नहीं करना है आपको, इसमें कंटिन्यूअसली आपको सॉलिड वेस्ट डालते रहना है, जिससे क्या हो कि इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, इसको ब्रेक नहीं करना है, उसका मेन कहने का मतलब चार्जिंग शुड बी स्लो एंड रैपिड, जल्दी ईच बैच ऑफ लिक्विड एंटरिंग द फर्नेस शुड बी वेल मिक्स्ड, इसको वेल मिक्स्ड हो, किससे मिक्स हो, ये जो आपकी ऑक्सिलरी फ्यूल है, ऑक्सिलरी फ्यूल से वेल मिक्स हो, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और इसका प्रोपोर्शन, हाँ, प्रोपोर्शन ऑफ फ्यूल इन द चार्ज एडजस्ट प्रोवाइड द कंप्लीट कंबशन एंड प्रॉपर टेम्परेचर, ये सारी चीजें इसमें मिली हुई अच्छे से। और इसमें और इसका जो कुछ, हाँ, ये देखिए द मिनिमम टेम्परेचर इन द कम्बस्टन चैम्बर शुड बी सफिशियंटली नॉर्मल, लार्जर देन 70 डिग्री, 670 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, वो जो आपका चैम्बर है, चैम्बर बना हुआ है उसके में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर आपका 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तभी आपका कम्बस्टन हो पाएगा। तो ये कितना हो सकता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके मेरिट और डिमेरिट पर लिखते हैं, क्या होता है मेरिट, तो दिस इज द मोस्ट सैनिटरी मेथड फॉर रिफ्यूज डिस्पोजल एंड इंश्योर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया, आपको ध्यान दो कोई भी चीज़ जल रही है बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स क्या होगी, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो नो वाटर ट्रबल, नो डस्ट, कोई भी डस्ट वगैरह नहीं रहती इसमें, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सम कॉस्ट बी रिकवर्ड बाय सेलिंग द स्टीम पावर एंड क्लिंकर, ये जो क्लिंकर्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, इसको आप सेल करके इसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसको रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो भी गैसेस वैसे बन रही है या गैस बन रही है, या कह सकते हो कि और क्या बन रहा है, फ्लाई ऐश बन रहा है और हीट इवॉल्व हो रही है, इन सबको आप सेल करके इसकी जो, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो कास्ट इसको क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है। द डिस्पोजल साइट कैन बी कन्वेंशनली लोकेटेड विद इन द सिटी नियर द आउटसाइड की ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, इसको अगर सिटी के नजदीक रखेंगे तो सॉलिड वेस्ट आपका क्या होगा, जल्दी इन लोग को अवेलेबल हो जाएगा, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कास्ट उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। इट रिक्वायर्स वेरी लेस स्पेस फॉर रिफ्यूज डिस्पोजल, क्योंकि आप लोग जान रहे हो इसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो इसके लिए स्पेस क्या होना चाहिए, बहुत कम हो जाता है। अब
लिमिटेशन क्या होगी? पहला तो यही है, सबसे ज्यादा कॉस्टली है, इसमें जो है बहुत सारे टेक्निकल चीजें की जरूरत रहती है। तो सॉलिड वेस्ट टू बी बर्न टू हैव हाई कैलोरी वैल्यू, उसकी कैलोरी बर्न बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी बर्न नहीं होता है, और स्मोक ऑर्डर एस नॉइसेंस है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, निकलती हैं इसमें, स्मेल भी आती है। और जब ये प्लास्टिक वगैरह बर्न होते हैं तो इसमें क्या होता है, हाई कैलोरी वैल्यू जरूरत पड़ती है। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड स्लाइटली लार्जर नंबर एज दे आर अकर्स डिले इन द इनपुटिंग नियर द इंसिनरेटर। इसको जो ये व्हीकल्स की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि जो इसका आपका इंस्ट्रूमेंट है वो उनके ना इसका काम प्रॉपर तरीके से होता रहे, इसके लिए इसका ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का काम होना जरूरी रहता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है? भेल में होता है, आप लोग मालूम होगा अपने इंडिया में भेल में, ये दिल्ली में इंस्टॉल हुआ है, कई जगह है। और इसके बाद आता है आपका पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है? पायरोलिसिस जैसे आप इंसुलेशन पड़े, इंसुलेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर सॉलिड वेस्ट को बर्न किया जाए मिनिमम 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे अधिक टेम्परेचर पे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। अब इसमें क्या है, अपॉन हीटिंग इन क्लोज कंटेनर इन ऑक्सीजन फ्री एटमोसफियर द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन बी स्प्लिट थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल क्रैकिंग एंड कंसोलिडेशन रिएक्शन इनटू द गैसियस लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन। हाँ, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस का पायरोलिसिस, इसमें क्या होता है कि ये इसमें भी ये होता ही चीज, इसमें भी कंबशन होता है, लेकिन क्या होता है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। और इसमें जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैसे जो भी वेस्ट हैं आपके, उनका फ्रैक्शन होता है, और वो किसी भी, जैसे कंबशन हो रहा है कोई भी सॉलिड है, वो गैसेस फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड है लिक्विड फॉर्म में बदल सकता है वो, तो उसमें इसका तीन स्टेज आता है, सॉलिड गैसियस स्टेज, लिक्विड और सॉलिड। तो इसके बाद और क्या है इसमें, हाँ, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंबशन प्रोसेस विच हाईली एग्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट क्या हो इवॉल्व होती है, इसको एग्जोथर्मिक कहते हैं, इंडोथर्मिक कहते हैं जिसमें हीट कंज्यूम होती है। तो पायरोलिसिस आपकी क्या है, इंडोथर्मिक, उसमें हीट चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो हीट देंगे तभी तो वो बर्न करेगा। दिस इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो द ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट पायरोलिसिस वी ऑब्टेन फ्रॉम द थ्री टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अभी हमने बताया कि गैसियस स्ट्रीम, लिक्विड फ्रैक्शन और सॉलिड फ्रैक्शन। ठीक है, ये तीन तरह से मिलते हैं, इसमें कौन कौन सा होता है, गैसियस में विच इज प्राइमरी कंटेन हाइड्रोजन मीथेन सीओ सीओ टू एंड अदर गैसेस, ये सारी चीजें, ये सारी गैसेस मिलती हैं। लिक्विड में क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ टार एंड एन ऑयल स्ट्रीम विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इज फाउंड टू बी केमिकल सच एज एसिटिक एसिड आइसोटोन एंड मेथनॉल, ये सारी चीजें इसमें लिक्विड फ्रैक्शन मिलती हैं हमको, जो सॉलिड वेस्ट को हम लोग ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब इसको बर्न करते हैं ना, उसको गर्म किया जाता है, तो ये सारी चीजें हमको तीन फॉर्म में मिलती हैं, लिक्विड सॉलिड और गैसेस। अब सॉलिड में क्या क्या मिलता है, चारकोल हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ प्योर कार्बन प्लस इनहेरेंट मटेरियल विच इंटर द दिस प्रोसेस। और बाकी इसके बाद क्या है, द रिस्पेक्टिव क्वांटम ऑफ दीज एंड प्रोडक्ट्स इज फाउंड टू डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ पायरोलिसिस। तो इसमें जो भी है आपका, इसका भी क्या होता है, इसको क्लोज्ड कंटेनर में ही हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बर्न किया जाता है, इसमें ये सारी चीज़ें गैसेस इवॉल्व होती हैं, इनका हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी आप लोग को डाइट हो तो आप लोग कमेंट करें।